हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर क्लास 9, चैप्टर नंबर 9, फोर्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हमने जो कुछ एग्जांपल्स कंप्लीट कर ली थी, एग्जांपल 9.1, 9.2, 9.3, आई होप आपको वो अच्छी तरीके से समझ आ गए हो। आज हमने स्टार्ट करना है एग्जांपल 9.4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 m/s² एंड मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 m/s². व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मास वर टाइट टुगेदर। क्वेश्चन पहले आपको समझना है, एक फोर्स है वो क्या है, 5 न्यूटन है उसका। ठीक है, मास उसका हमने पहले एक लिया है तो उसका m1 ले लिया, उसका एक्सेलरेशन हमारे पास 10 m/s² है। दूसरा मास हमने ले लिया है m2, उसका एक्सेलरेशन हो गया 20 m/s². अब आपको ये बताना है कि अगर दोनों के मास को m1 और m2 को इकट्ठा कर दिया जाए तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमने इसका सिंपली फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है, F=ma। ठीक है, और हमें क्या करना है, अगर m निकालना है, हमने मास m = हम क्या कर देंगे, F/a। ठीक है, अब पहले वाले के लिए अगर निकालना तो m1 और एक्सेलरेशन उसका a1, दोनों में हम वैल्यू फिल कर देंगे। फोर्स F, तो अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू फिल कर देना है। ठीक है, जो हमारा ये फॉर्मूला था इसमें हमने वैल्यू फिल किया, F हमारे पास क्या है, 5। ठीक है, A जो है एक्सेलरेशन, सॉरी 1 के लिए F हमारे पास कितना है, हमारे पास जो F1 है, एक मिनट हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, F1 जो है हमारे पास यहाँ से F1 यानी कि फोर्स हमारे पास पहले का 5 न्यूटन है। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन 10 है। ठीक है, तो उसको हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर फिल कर देना है, हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें फिल कर देना है। ठीक है, तो उसमें हमने फॉर्मूले में फिल किया, फर्स्ट इसमें F हमारे पास 5 था और जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, 10 था, किसके लिए, m1 के लिए। ठीक है, तो इसके कटिंग क्या, 5 × 5, 5 × 2 = 10 = क्या आ गया, 1/2। ठीक है, 1/2, अगर हम इसको 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, आई थिंक आपको तो ये आती होगी डिवाइड, 0. क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 0.5 किलोग्राम, क्योंकि हमने क्या निकाला है, मास निकाला है m1 का। इसी तरीके से हम m2 का निकालेंगे, m2 में फोर्स सेम था, ठीक है, 5 न्यूटन, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो गया था, 20 हो गया था, तो 5 × 5 और 5 × 4 = 20। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.25 किलोग्राम m2। तो अब इन दोनों मास को, जो m1 m2 आया है हमारे पास और जो m1 आया है, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, एक साथ ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इफ द टोटल मास वर टाइड टुगेदर, अगर दोनों मास को हमने टोटल कर दिया तो एक तो 0.50 kg था, दूसरा 0.25 kg था, तो इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.75 kg। ठीक है, द एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस्ड इन ए कंबाइंड मास बाय द 5 न्यूटन फोर्स वुड बी a = F/m। अब हमारे पास फॉर्मूला, पहले हमने क्या लगाया था, m1 a1, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमने कंबाइन में निकालना है तो a = F/m। ठीक है, फोर्स तो हमारा सेम है, 5 न्यूटन, तो हमने उसमें 5 लिख दिया। ठीक है, अपॉन में हमारे पास जो है मास, टोटल मास हमारे पास कितना आ गया, 0.75। ठीक है, इसको यहाँ से पॉइंट हटा के आपने ऊपर क्या लगा देना है, 2 0 लगा देना, नीचे आपके पास क्या है, 75। ठीक है, इसकी आप कटिंग करोगे तो आ जाएगा आपका 6.67 m/s². m/s² क्यों लगाया, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन किस में होती है, m/s² में होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना।